दिल्ली हिंसा में जख्मी हुई एसीपी अनुज कुमार ने किया आज तक से बात, बताया आंखों देखा हाल, कहा सामने थी 25 से 30 हजार लोगों की भीड़, हम सिर्फ 200 की संख्या में थे। 24 फरवरी को चांदबाग में डीसीपी अमित शर्मा और हिंसा में मारे गए हेड कांस्टेबल रतनलाल के साथ थे एसीपी अनुज कुमार। एसीपी अनुज ने बताया पुलिस की गोली चलने की अफवाह के बाद भड़के लोग सर्विस रोड पर पड़े पत्थरों से पुलिस पर किया हमला। अनुज कुमार ने बताया उग्र भीड़ के सामने फायरिंग करते तो और बिगड़ जाते हालात। सर की और रतन की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, वो दोनों रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और भीड़ भी फिर धीरे धीरे और इकट्ठा आनी शुरू होगी। दिल्ली हिंसा में हर दिन बढ़ा है मौत का आंकड़ा, 41 तक पहुंची मरने वालों की संख्या। दिल्ली हिंसा में अब तक पुलिस ने दर्ज की 123 एफआईआर, कुल 630 लोग गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए। 6 दिन बाद हिंसा की चपेट में गोकुलपुरी में बजी सहनाई, शादी समारोह में शामिल हुए लोग। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार सड़कों से हटाए जा रहे हैं पत्थर और जला सामान, शिव विहार में सड़कों की सफाई जारी। हिंसा प्रभावित इलाकों में धीरे धीरे कम हो रहा है खौफ, खजूरी खास में क्रिकेट खेलते दिखे बच्चे। दिल्ली हिंसा के बाद सामने आ रही दर्दनाक कहानी, आज शिव विहार में इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति ने दंगों की आग में खोया अपना घर, दंगाइयों की भीड़ ने घर को आग में झोंका। शिव विहार के एक परिवार ने हिंसा में खोया अपना बेटा, गोली लगने से हुई थी 26 साल के राहुल सोलंकी की मौत। दिल्ली हिंसा के दौरान यमुना विहार इलाके में लोगों ने दिखाई हिम्मत, आग में फंसे एक परिवार को बचाया। हिंसा भड़कने पर पड़ोसियों की मदद से बची 2 बच्चों की जान, सुरक्षित जगह पर गया परिवार। दिल्ली में रहने वाला बुलंदशहर का एक युवक भी चढ़ा हिंसा की भीड़, पैतृक गांव में किया गया सपोर्ट देखा। दिल्ली के जिस मौजपुर चौक से भड़की थी हिंसा, वहां अब सामान्य है हालात। दिल्ली हिंसा को लेकर व्हाट्सएप पर हो रहा है भड़काऊ सामग्री का प्रचार, दिल्ली सरकार ने ऐसी सामग्री की शिकायत के लिए जारी किया नंबर। दिल्ली पुलिस का बयान, अभी सामान्य है हालात, पीसीआर कॉल पर नहीं मिल रही किसी तरह की तनाव की कॉल, संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च। आज विचार हो रहे हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर मूल्य पटनायक, कल से अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे एसएन श्रीवास्तव। मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी आज हो रहे हैं रिटायर, संजय वर्वे के लिए फेयरवेल सेरेमनी, एसीबी के डीजी परमवीर सिंह को बनाया गया नया कमिश्नर। प्रयागराज में पीएम मोदी ने दिव्यांगों को बांटे विशेष उपकरण, बने कई विश्व रिकॉर्ड। प्रयागराज में 1,000 दिव्यांगों को बांटे गए उपकरण, पीएम मोदी ने कहा 70 साल में ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कहा सत्ता में आने के बाद दिव्यांगों के लिए काफी काम, अब तक 9,000 कैंप लगाए जा चुके हैं। प्रयागराज के बाद चित्रकूट जाएंगे पीएम, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और पेयजल योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे पीएम, जनसभा को करेंगे संबोधित। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। दिल्ली में केंद्रीय शहरी मंत्री से मिले अरविंद केजरीवाल, कहा दिल्ली के विकास पर हुई बात, हिंसा प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्निर्माण पर जोर। उन्नाव रेप केस में 4 मार्च को आएगा फैसला, 30 हजारी कोर्ट में आज हुई सुनवाई। बिहार विधानसभा की कैंटीन में दिखा लालू के बेटों का प्यार, राजनीतिक नेताओं के साथ बैठकर किया लंच। बोर्ड परीक्षा के दौरान बस्ती में परीक्षा केंद्र पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, सभी इंतजाम का लिया जायजा। गो एयर की फ्लाइट में घुसकर कबूतरों ने मचाया उत्पात, अहमदाबाद एयरपोर्ट की घटना वीडियो वायरल। सीबीआई नेता कन्हैया ने कुमार पर चलेगा देशद्रोह का केस, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को केजरीवाल सरकार की मंजूरी। कन्हैया कुमार के अलावा उमर खालिद और अनिर्बान समेत 8 और लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस, जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी का मामला। देशद्रोह के केस पर कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, कहा फास्ट ट्रैक में हो सुनवाई ताकि सच्चाई सामने। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके स्पीडी ट्रायल करके तुरंत इस पे जो है न्याय को सुनिश्चित किया जाए। कन्हैया कुमार के सवाल को अरविंद केजरीवाल ने टाला, मीडिया पूछने पर कहा कल हो चुका फैसला। कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर कोर्ट में आजम खान के परिवार की पेशी, जेल से निकलते हुए आजम खान बोले आतंकियों जैसा हो रहा व्यवहार। धोखाधड़ी केस में जेल काट रहा आजम खान का परिवार, सीतापुर जेल से रामपुर कोर्ट ले जा रही है पुलिस। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण पर गरमाई सियासत, फडणवीस ने कहा संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, शिवसेना कर रही है अपनी विचारधारा से समझौता। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार का ऐलान, शिक्षा में मुस्लिमों को मिलेगा 5% का आरक्षण, जल्द लाया जाएगा कानून। नौकरी और प्राइवेट सेक्शन संस्थान में भी मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है महाराष्ट्र सरकार, अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने कहा इस पर लेंगे कानूनी राय। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।